हमारे चैनल। आज मैं मसाला खिचड़ी, जिसको कि तहरी भी कहते हैं, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। होता है गाइस, और हेल्दी भी रहता है क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स रहते हैं। आप कोई सा भी वेजिटेबल्स इसमें डाल सकते हो जो आपको पसंद हो। गरम देसी घी ऊपर से डालिए और गर्मा गर्म इसको रायता के संग, पापड़ के संग सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो, मसाला खिचड़ी या तहरी को बनाना। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप मेरे चैनल पर अभी नए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सारी रेसिपी सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो, मसाला खिचड़ी या तहरी को, जो भी आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, बनाना। आई होप आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मसाला खिचड़ी या तहरी को बनाने के लिए सबसे पहले एक प्याज लिया है मैंने, रफली चॉप किया है, चार हरी मिर्च लिए हैं, धनिया के पत्ते लिए हैं, पांच लहसुन की कलियों को कट किया है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। ये देखिए, इन सब को एक साथ पीसेंगे। तो चलिए पहले इनको पीस लेते हैं। सारी चीजों को, प्याज, लहसुन, अदरक, धनिया, मिर्ची, सब देखिए मैंने ग्राइंडर में डाल दिया है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज्यादा पानी मत डालिएगा, थोड़ा सा पानी डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड करेंगे, फिर अगर जरूरत पड़ी तो थोड़ा सा पानी और डालेंगे। चलिए पहले इनको पीसते हैं। और प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्ची, धनिया पत्ती का पेस्ट भी हमारा रेडी है, ये देखिए। साथ में मटर एक कटोरी लिया है। आपको ज्यादा मटर पसंद है तो आप ज्यादा भी कर सकते हो, या फिर आप कम भी कर सकते हो। ये देखिए, गोभी लिया है मैंने, थोड़े से इनको मोटा मोटा कट किया है, तीन आलूओं को मोटा मोटा कट किया है और एक बड़े टमाटर को। आप चाहो तो इन सब की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, या फिर आपको कोई और भी वेजीज इसमें डालना है, जैसे कि गाजर हो गया या कुछ और भी, तो आप डाल सकते हो जो भी वेजिटेबल आपको पसंद हो। अगर आपको डायबिटीज है, आलू नहीं डालना है, तो आप आलू मत डालिए, ठीक है। क्योंकि इसको मसाला खिचड़ी भी कहते हैं, वेजिटेबल खिचड़ी भी बोल सकते हो आप। सारी हरी सब्जियों का यूज करते हैं इसमें, तो ये हेल्दी भी है। चलिए शुरू करते हैं तहरी को बनाना। आने के लिए मैंने यहाँ पे कुकर में चार चम्मच रिफाइंड ऑयल लिया है। आप चाहो तो देसी घी का भी यूज कर सकते हो। ऑयल गर्म हो गया, इसमें डालूंगी थोड़े से हींग, एक चम्मच जीरा, जीरा देखिए कलर चेंज कर चुका है। अब जो मैंने पेस्ट बनाया था, प्याज, मिर्ची, अदरक, लहसुन का, धनिया पत्ते का, वो सब डाल दूंगी इसमें। फ्लेम जो है मीडियम रखिएगा, मीडियम फ्लेम पर इनको हम भूजेंगे। तीन से चार मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे, जिससे कि प्याज, लहसुन, अदरक, इन सब का जो कच्चापन होता है वो निकल जाए। एक मिनट के लिए और फ्राई किया था इसको हाई फ्लेम पर। अब सारी जो सब्जियां मैंने कट करके रखी है वो इसमें डाल दूंगी, गोभी। गोभी देखिए इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कीजिएगा, मटर, आलू, टमाटर, और इनको मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आप चाहो तो गाजर भी ऐड कर सकते हो। गाजर बहुत मोटा नहीं, मीडियम कट करके आप इसमें डाल सकते हो। अब दो मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको भूनेंगे। दो मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, इनको मिक्स करेंगे और पकने देंगे। जब तक हमारे सारी सब्जियां जो हैं सॉफ्ट नहीं हो जाती, तब तक इनको हम पकने देंगे।
फ्लेम को मीडियम और हाई करते रहिएगा, बीच बीच में चलाते रहिएगा सब्जियों को। ये देखिए अब इनको ढक देंगे और पकने देंगे। जब तक सारी सब्जियां पक रही हैं, दाल और चावल को धुल करके रख लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कटोरी चावल लिया है, एक कटोरी चावल लिया है देखिए इस कटोरी से, और वन आधी कटोरी से कम मैंने रहर की दाल को लिया है, इसे तुअर दाल भी कहते हैं। आप जिस हिसाब से चावल ले रहे हो उसी हिसाब से दाल को लीजिएगा। मतलब एक कटोरी मैंने यहाँ चावल लिया है तो वन तिहाई कटोरी रहर की दाल को ले रही हूँ, या आधी कटोरी से भी कम है, देख सकते हो आप। अब इन दोनों को एक साथ हम अच्छे से 5-6 पानी धो लेंगे और भिगो के रख देंगे। चावल और दाल को देखे धुल करके मैंने भिगो के रख दिया है। अब इसको साइड में रखेंगे और अपनी सब्जी को देखते हैं कितना पक गई है। सारी वेजिटेबल्स देखिए अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए 10 मिनट लगे इसको पकने में मीडियम फ्लेम पर। बहुत 10 मिनट बाद देखोगे आप बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगती है इसमें से। इस तरह से थोड़ा दबा के चेक कर लीजिए कि पक गया है कि नहीं पक गया है। ये देखिए एकदम अच्छे से पक चुका है। अब जो दाल और चावल धुल करके रखा था वो इसमें डाल देंगे, पानी के साथ ही डाल दीजिए। दाल और चावल जो धुल करके रखा था वो डाल करके मिक्स कर दीजिए सारी सब्जियों के साथ। फ्लेम को हाई कर दीजिए और चलाते हुए 2-3 मिनट तक इनको भून लीजिए। हाई फ्लेम पर भूनिएगा, जितना आप भूनेंगे उतना ही अच्छा हमारा तहरी या फिर मसाला खिचड़ी बनकर रेडी होगी। इसलिए अच्छे से 3-4 मिनट के लिए इनको भूनेंगे हाई फ्लेम पर। ये देखिए 3 मिनट के लिए मैंने इनको 3-4 मिनट अच्छे से भुना है। अब इसमें पानी डालूंगी, इस कटोरी से 3 कटोरी मैंने पानी लिया है। तो बस इनको फ्लेम को हाई करेंगे और एक बॉयल आने देंगे। ऊपर से इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया के पत्ते। ये देखिए बॉयल भी आने लगा है इसमें। इन सबको मिक्स करेंगे। ये देखिए बॉयल आ गया अच्छे से। अगर आपको नमक कम लगता है तो आप थोड़ा सा नमक ऊपर से डाल सकते हो। आप कुकर बंद करेंगे और 2-3 सीटी तक इसको पकाएंगे। ये देखिए कुकर मैंने बंद कर दिया है। अब 2 सीटी पे वैसे ये पक जाएगा। 2-3 सीटी इसको पकाएंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। रेडी है हमारा तहरी। आप देख सकते हो ऊपर से देसी घी डालिए और गर्मा गर्म इसको सर्व कीजिए। इसको आप रायता, पापड़, सैलेड कुछ भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है गाइस, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जिस तरह से मैंने बनाया इस तरह से जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगा। इस खिचड़ी को, इसे मसाला खिचड़ी भी बोलते हैं, आप तहरी बोल सकते हो या फिर वेजिटेबल खिचड़ी भी बोल सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।